हेलो स्टूडेंट, मैं हृदय एसजी इंस्टीट्यूट से। तो आज जो है काफी टाइम बाद ये वीडियो बन रही है और आज हम जो है पढ़ने वाले हैं बेटा क्या कार्बन एडेड्स कंपाउंड। तो आज मैं ओवरव्यू दूंगा इस वीडियो में, ये पहला पार्ट है इस वीडियो का और हम जो है इसके कई सारे पार्ट्स बनाएंगे, पूरा चैप्टर कवर करेंगे, ठीक है। तो कार्बन एडेड्स कंपाउंड, तो सबसे पहले बेसिक चीज मैं आपको ये बता दूं कि कार्बन जो है पृथ्वी पर, अर्थ पर सबसे ज्यादा कंपाउंड क्यों बनाता है, इसके पीछे क्या रीजन है, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है बेटा कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन करूं तो 2.4 हो जाएगा, यस और नो। अब उसके बाद अगर कार्बन का स्ट्रक्चर की बात करी जा रही है तो कार्बन की आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन है, ये वाली बात क्लियर हो गई। तो जो कार्बन होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। अब कोवेलेंट और इलेक्ट्रोवेलेंट का क्या मतलब होता है वो मैं आपको समझा दूंगा। कोवेलेंट बॉन्ड बेटा वो होता है जहां पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है बेटा, शेयरिंग होती है, ठीक है। और इलेक्ट्रोवेलेंट क्या होता है बेटा, इसमें क्या होता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है बेटा, ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो जो कार्बन होगा वो क्या करेगा, अपने दूसरे कार्बन के साथ क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। जैसे बचपन में हमें मम्मी पापा सिखाते हैं ना कि शेयरिंग करना चाहिए, आपने एड भी देखा होगा टीवी में। तो यही चीज है कि कार्बन क्या करता है बेटा, दूसरे कार्बन के साथ क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। कैसे शेयरिंग करेगा वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन में हाइड्रो मींस क्या होता है, हाइड्रोजन आना, और कार्बन मतलब कार्बन, ठीक है। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन क्या होता है बेटा, 2.4, ठीक है। तो इसके कारण क्या होगा, ये अपनी चेन बनाता चला जाएगा, कार्बन अपनी चेन बनाता चला जाएगा और दूसरे कार्बन के साथ। जैसा कि इसको हम लाइफ रियल लाइफ में सोच सकते हैं, आप किन बच्चों से फ्रेंडशिप करोगे जो आपकी तरह होते हैं, ठीक है। तो कार्बन भी उन्हीं कार्बन के साथ फ्रेंडशिप करता है या चेन बनाता है जो इसकी तरह प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। सारे कार्बन तो सेम ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। दूसरी बात क्या होती है कि अगर पूछ लिया जाता है कि कार्बन जो है वो वर्सेटाइल नेचर क्यों शो करता है, ठीक है, तो उसके पीछे क्या रीजन होगा, सबसे पहली होती है कैटिनेशन। कैटिनेशन और कैटिनेशन का मतलब ये होता है कि ये क्या काम करता है, चेन पे चेन बनाता चला जाता है, क्लियर हो रही है यानी बात। दूसरी कंडीशन क्या होगी बेटा, दूसरी कंडीशन ये होती है इसकी जो वैलेंसी होती है वो होती है टेट्रा वैलेंसी, और टेट्रा का मेन मतलब क्या होता है बेटा, 4 वैलेंसी, और 4 का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इसको एक यहाँ पर भी शेयरिंग चाहिए क्योंकि इसको तो अपना ऑक्टेट पूरा करना है। ऑक्टेट का मतलब क्या होता है, इसको अपनी इस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये 4 चीजों को लेके आएगा अपने साथ, जो एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे अपने साथ में। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन अगर कोई लेके आया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लेके आया, कोई एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लेके आया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लेके आया, तो 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8, तो कार्बन अपना कंपाउंड बना लेगा। ये वाली बात क्लियर हो रही है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि कार्बन जो है वर्सेटाइल नेचर क्यों शो करता है, उसके पीछे सिर्फ 2 पॉइंट है आपके, क्या है, कैटिनेशन। कैटिनेशन में क्या होती है बेटा, चेन लिंक। दूसरी चीज क्या हो जाएगी बेटा, टेट्रा वैलेंसी में जिसकी 4 वैलेंसी होती है। 4 वैलेंसी का मतलब क्या होता है, इसकी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, क्लियर हो रही है यानी बात, ठीक है। तो कार्बन जो है इसी वजह से जो है क्या बनाता है, बहुत ज्यादा पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जो कंपाउंड बनते हैं वो कार्बन के ही बनते हैं। मतलब आप ये सोच लो दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो कार्बन से मिलकर बनी हुई होती है। आ रही है बात समझ में, क्लियर हो रही है ये चीज। अच्छा, बात हो रही थी कोवेलेंट और इलेक्ट्रोवेलेंट, ये बॉन्ड होते हैं मतलब जोड़। जैसे हमारा मम्मी पापा के साथ एक बॉन्ड होता है, वैसे ही जो कार्बन होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही होती है। अभी शेयरिंग ही तो हो रही है, यहाँ पर मान लो हाइड्रोजन है, लेट्स सपोज, तो हाइड्रोजन की बाहर एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, वो अपना इलेक्ट्रॉन लाया और इसके साथ क्या कर लिया, उसने शेयर कर लिया, ये वाली बात क्लियर हो गई। दूसरी कंडीशन क्या हो गई बेटा कि इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड वैसे होते हैं जो मतलब आयंस में होते हैं, प्लस और माइनस, जैसे HCl है तो H पर तो बेटा प्लस का साइन होता है, Cl पर माइनस का साइन होता है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, ये वाली बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। फिर दूसरी चीज क्या आ जाती है बेटा कि जो कार्बन होता है वो सबसे ज्यादा अपने कंपाउंड हाइड्रोजन के साथ बनाता है,
और कितने बनाता है वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन हम पढ़ने जा रहे हैं, तो स्टार्ट करेंगे।